आइए दोस्तों शुरू करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के चैप्टर के अंतर्गत आईपीएससी नेम, हाउ टू राइट आईपीएससी नेम, आईपीएससी नेम कैसे लिखते हैं, बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो सीखने के लिए सबसे पहले आपको जो है कार्बन की काउंटिंग पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर एक कार्बन आए ये क्या होता है, फिर मैं आपको बिल्कुल प्रोसीजर वाइज समझाऊंगा। सबसे पहला जरूरी है वो मैं बता रहा हूँ। अगर एक कार्बन आए तो उसके लिए हम लिखते हैं क्या, मेथ। अगर दो कार्बन आए कंपाउंड में यौगिक में तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, ईथ। और अगर तीन कार्बन आए तो उसके लिए प्रॉप। और अगर चार आए तो ब्यूट। अगर पांच कार्बन आए तो उसके लिए हम लिखेंगे पेंट। ये काउंटिंग है, इसे याद रखना है आपको। और अगर छह कार्बन आए तो हम लिखेंगे हैक्स। और अगर सात कार्बन आए तो हम लिखेंगे हैप्ट। और अगर आठ कार्बन आए तो हम लिखेंगे ऑक्ट। और अगर नौ आए तो नॉन। और अगर 10 आए तो डेक, डेका। तो इस प्रकार से हमें ये 10 तक काउंटिंग याद होनी चाहिए। इसके बिना हम आईपीएससी नेम नहीं लिख सकते हैं 10th लेवल पे, और अगर आगे के लेवल पे हैं तो भी हमें याद होनी चाहिए बेसिक चीज़ें, ठीक है। तो आइए अब मैं आपको नोमेनक्लेचर सिखाता हूँ। देखिए यहाँ तीन प्रकार से होते हैं कार्बन कार्बन शेयरिंग। एक तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, यानी एकल आबंध, जिसको हम कहते हैं क्या, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। और एक होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जिसको हम कहते हैं असंतृप्त, या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, या फिर त्रिआबंध। तो ये दोनों जो है असंतृप्त है, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, एंड दिस वन कॉल्ड्स अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। तो इस प्रकार से जो है इसका ध्यान रखें। अगर सिंगल बॉन्ड आता है, मैं भी समझा देता हूँ, ये आप इतना याद रखें। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। इसके बाद हमें जरूरत पड़ती है, जैसे अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ऐसे देखिए जैसे मैं बना के आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए कितनी स्ट्रक्चर है कार्बन की, 1, 2, 3, 4, यहाँ 4 कार्बन्स हैं। और अभी मैंने आपको बताया, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कार्बन कार्बन अगर एकल आबंध हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, उसके लिए हम लास्ट में एन लगाएंगे, एन। और अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, चाहे एक भी हो, तो उसके लिए हम लगाएंगे क्या, ईन। ओके, यहाँ इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ ईन, और यहाँ पर लिख देता हूँ ANEN। और इसके साथ ही अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम लगाएंगे क्या, आइन। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा। और अब मैं यहाँ बताता हूँ, देखिए 1, 1, 2, 3, 4, कितने कार्बन है पास, 4 कार्बन, नहीं 4 कार्बन। तो 4 के लिए भी मैंने आपको काउंटिंग बताई थी क्या, 4 के लिए हम लिखेंगे ब्यूट। अगर आपने नोट ना किया हो तो उसे नोट कर लें, ब्यूट। तो ये हो गया ब्यूट। और अब ये देखिए कि कार्बन कार्बन के बीच एकल आबंध है, सिंगल बॉन्ड है, तो उसके लिए हम नाम में क्या जोड़ेंगे, एन, यानी ए की मात्रा और ना। तो मैं इसमें ए की मात्रा जोड़ता हूँ, एन, तो ये हो गया ब्यूटेन। ओके, इंग्लिश में अगर हम लिखेंगे तो ब्यूट और ANE, ब्यूटेन। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अगर मान लीजिए सिंगल बॉन्ड आ जाए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए अगर, तो क्या करेंगे, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ऐसे करते हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1, 2, 3, 4। काउंटिंग कहाँ शुरू होती है उसके कुछ मैं रूल्स बता देता हूँ आपको। अगर आपको इसकी और बेसिक नॉलेज लेनी है तो मैंने एल्केन, एल्किन, एल्काइन के बारे में विस्तारपूर्वक पढ़ाया है अपनी बाकी की कार्बन एंड कंपाउंड की वीडियो में। आप यूट्यूब पे हमारे चैनल को जो है कि देख सकते हैं ओपन करके, उसमें आपको मिल जाएंगी सारी वीडियो प्लेलिस्ट में 10th क्लास साइंस सब्जेक्ट की। तो यहाँ पर जो है आपको ये जरूर आना चाहिए। अब मैं आपको कुछ रूल्स बताता हूँ, जैसे मैं अभी आपको समझाता हूँ। सबसे पहला जो रूल है वो ये होता है कि आपको लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, लॉन्गेस्ट चेन। मैं और बड़ी करता हूँ ताकि देखने में आसानी हो। तो लॉन्गेस्ट चेन में आपको क्या देखना है, यानी सबसे लंबी चेन देखनी है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 1, 2, 3, 4 ये दूसरी चेन थी, और तीसरी 1, यस, इधर से 1, 2, 3, 4, 5।
देखिए सबसे लंबी कौन सी आ रही है, अगर मैं इधर से काउंटिंग करूँ तो 1 2 3 4 इस पे, और अगर इस पे करूँ तो 4 5 6, और अगर मैं ठीक है तो सीधी हो गई, और अगर इधर कर अगर इधर से मैं करूँ तो 1 2 3 4 5 ऐसे। तो सबसे लंबी श्रृंखला कहाँ से आ रही है, सबसे लंबी कार्बन की जो चैन है वो आ रही है यहाँ से, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे नाम लिखने के लिए। ठीक है, पहला स्टेप ये था। अब दूसरा स्टेप है ब्रांच, देखते हैं हम कहाँ से पास है ब्रांच, या फिर यूँ कहें कि इसकी जो शाखा है वो देखते हैं, यानी इसकी ब्रांच कहाँ से पास है। ब्रांच देखिए, ब्रांच का मतलब ये है कि ये कहाँ से पास दिख रहा है, जैसे 1 2 3 4 5 6, जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे सी लगा रखा है। और दोस्तों देखिए ब्रांच कहाँ से पास है, यानी कि 1 2 3 यहाँ से, या फिर 1 2 3 4, तो यहाँ से पास है। तो स्टार्ट जो हम करेंगे नंबरिंग, वो हम यहीं से करेंगे 1 2 3 4 5 6। हाँ आप याद रखें ये बात, यहाँ से नहीं कर सकते हम, क्यों, क्योंकि जो ब्रांच है वो यहाँ से पास है तीसरे कार्बन पे, और इधर से चौथे पे है। तो ये दूसरा पॉइंट था कि ब्रांच हम कंसिडर करते हैं। उसके बाद जो है थर्ड पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड, यानी आप बॉन्ड्स देखेंगे, ये डबल है ट्रिपल है सिंगल है। 10th लेवल पे बेसिकली सिंगल ही आता है, अगर डबल फिर भी मान लीजिए यहाँ पे है तो भी आप इधर से स्टार्ट करेंगे, और अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो फिर आप काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यह चाहे ब्रांच फिर कहीं भी हो, फिर आप काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, डबल बॉन्ड को प्रीफर करते हैं। तो अब यहाँ पर याद रखें कि ब्रांच यहाँ से है, तो अब मैं इसका नाम क्या लिखूंगा, देखिए यानी कि अब मैं इधर से नहीं लूँगा, क्योंकि अगर इधर से लूँगा तो फोर्थ कार्बन आएगा, और इधर से लूँगा तो 3, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको बता दूँ 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 6 के लिए हम क्या लिखते हैं, हैक्स, हैक्स लिख दीजिए, ओके। और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो हैक्सेन, लेकिन यहाँ भी जो ब्रांच है इसका क्या करेंगे, तो इसका भी नाम लिखना पड़ेगा आपको। तो ये नंबर 3 पे था, तो इसको पहले सबसे पहले लिखते हैं, तो हेक्सेन तो हमने लिख लिया, इसको सबसे पहले लिखना है, तो 1 2 3, तो यहाँ आप लिखेंगे कि 3, ओके 3। अब देखिए ये जो सी था, तो अगर एक कार्बन हो तो इसे हम ऐसे लिखते हैं, मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में कार्बन हाइड्रोजन के साथ लिख के दिखाता हूँ कि अगर हम हाइड्रोजन के साथ लिखें तो कैसे लिखेंगे, CH3 CH2 CH, ये हम हाइड्रोजन लगाते हैं, CH3 CH2 CH2 और CH3। तो यहाँ पर ये जो ग्रुप है CH3, उसको हम बोलते हैं मिथाइल, ओके इसे हम कहते हैं मिथाइल ग्रुप, इसको हम क्या कहेंगे, मिथाइल ग्रुप। अब हम क्या करेंगे, ये कितने नंबर पे है, 1 2 3, तो 3 नंबर पे तो हम लिखेंगे 3, और उसके बाद लिखेंगे क्या, मिथाइल, यानी 3 नंबर पे मिथाइल ग्रुप, उसके बाद हम लिख देंगे हेक्सेन, हेक्स ANE हेक्सेन। तो ये हो गया 3-methyl hexane, हिंदी हो या इंग्लिश हो ऐसे लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम IUPAC नेम लिखते हैं। अब आपको ये भी देखना होता है कि फंक्शनल ग्रुप जो, अब मैं आपको बता देता हूँ कि फंक्शनल ग्रुप का क्या काम है। फंक्शनल ग्रुप भी हमें हमें जो चौथा पॉइंट है, ठीक है यहाँ थोड़ी जगह की कमी है तो मैं ये वाला मिटा देता हूँ। फोर्थ पॉइंट में हम देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप कहाँ से पास है। फंक्शनल ग्रुप का मतलब है कि प्रक्रियात्मक समूह कहाँ से पास है, प्रक्रियात्मक समूह। तो प्रक्रियात्मक समूह का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ जरा लिख के। अब मान लीजिए मैं इसमें हाइड्रोजन भर देता हूँ पहले, और OH ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये भी यहाँ पे क्या आएगा, CH3। दोस्तों जो लास्ट वाले कार्बन होते हैं वहाँ H3 आता है, क्यों, क्योंकि इसने एक ही इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया है, तो इसकी 3 वैलेंसी बच जाती है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक इधर शेयर कर लिया, 3 बचे तो 3 हाइड्रोजन, इसने 3 कर लिए तो बस इस पे एक ही हाइड्रोजन आएगा, इस पे 2, क्योंकि एक इधर इसका शेयर है ऐसे। तो अब देखिए अब ये कहाँ से पास है, इधर से पास है ये फंक्शनल ग्रुप, या इधर से ये प्रक्रियात्मक समूह किधर से पास है, हमें वो देखना होता है। तो हम क्या करेंगे,
यहाँ से पास है, यानी यहाँ से पास है, तो हम इसे लिखेंगे 1 2, यहाँ से फिर काउंटिंग शुरू होगी। वही मैं आपको बता रही थी फोर्थ पॉइंट कि काउंटिंग जो यहाँ से शुरू होगी, और ये जो है इधर से आप नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ से दूर है, तो फंक्शन ग्रुप जहाँ से पास होता है वहाँ से हम इसको कंसिडर करते हैं। तो 1 2, तो 2 नंबर पर एल्कोहल लगा हुआ है, 3 4 5। तो अब फंक्शन ग्रुप को जो हम लिखते हैं वो नाम के पीछे लिखते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5। तो हम इसे लिखेंगे पहले पेंट 2 ऑल, पेंट 2 ऑल। अगर हिंदी में लिखना, इंग्लिश में लिखना हो तो पेंट 2 ऑल ऐसे लिखते हैं। अगर यही फंक्शन ग्रुप लास्ट में यहाँ पे चाहे यहाँ पे होता तो उसको कैसे लिखेंगे, ऑल क्यों दोस्तों, क्योंकि ओएच ग्रुप है, ओएच ग्रुप में नाम के पीछे क्या लगता है, ऑल लगता है। ओके ओएल, ठीक। वैसे अगर मान लीजिए फंक्शन ग्रुप यहाँ पर लगा हो लास्ट में और शुरू में, चाहे लास्ट इसे शुरू में कह लीजिए क्योंकि कहीं भी लगेगा दोनों साइड, तो आप वहीं से शुरू करेंगे काउंटिंग। तो ये हुआ CH2। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, वहीं से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे पेंटे, तो फिर ये पेंटेन पूरा हो जाएगा और ओ एल जोड़ देंगे हम, पेंटे नॉल हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से जो है कि आप लिख सकते हैं, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो, कोई संदेह हो तो आप, या फिर आपका कोई सुझाव हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन दिया है वहाँ पर जाकर अपनी बात को कह सकते हैं। मैं जो है उसके रिगार्डिंग जो भी होगा कोशिश करूँगा कि उसको सॉल्व कर पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।